was up there. कह रहे बिस्मिल्लाह जाने दें यार, सही है, ठीक है ठीक है। शुरू करें खत्म रिजर्व शुरू करें। बिस्मिल्लाह करें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं और नासिर शाह साहब इलेक्शन कमीशन के सामने सिंध हुकूमत के बिहाफ पर अपीयर हुए थे लोकल गवर्नमेंट के इनकाद इलेक्शंस के इनकाद के हवाले से। सूबाए सिंध की हुकूमत ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का यकीन दिलाया कि हम बल्दियाती इंतखाबात के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते हैं, बल्दियाती निज़ाम की एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात आइन और क़ानून के मुताबिक एक बार फिर करा दिए जाएं। लेकिन जो कुछ कानूनी इश्यूज़ हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने गोश गुजार किए, स्पेशली जो सिंध की आबादी का मामला पेंडिंग है पाकिस्तान के पार्लियामान के सामने, जो सूबे सिंध का मौक़िफ़ है कि हमारी आबादी को सेंसस के अंदर अंडर रिपोर्ट किया गया और सही नंबर्स सूबे सिंध के हवाले से सेंसस के अंदर शामिल नहीं किए गए। हमने अपना कानूनी एतराज़ पार्लियामान के सामने जमा कराया है और जब तक पार्लियामान हमारी उस दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं करती हमारे लिए अपने लोकल गवर्नमेंट कानून को तरमीम करना मुश्किल होगा, चूँकि जो पुराना कानून है उसके अंदर आबादी 98 की है और अगर नए बल्दियाती इंतखाबात होने हैं तो वो नए सेंसस के हिसाब से होंगे। तो हमने गुजारिश की कि अगर इस तरह की डायरेक्शन वफाकी हुकूमत को जारी कर दी जाए कि हमारी दरख्वास्त जो पार्लियामान के सामने पेंडिंग है सेंसस के हवाले से उसका फौरी तौर पर फ़ैसला कर लिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम खुशी खुशी अगले 6 महीने के अंदर इलेक्शन सूबा सिंध के अंदर बल्दियाती करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने हमारी दरख्वास्त को सुना, हमारी सबमिशंस को सुना और सुनने के बाद अपने फ़ैसले को महफूज कर लिया है। तो अब देखें फ़ैसला क्या आता है। लेकिन मैं इस बात को एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि सूबाई सिंध की हुकूमत बल्दियाती निज़ाम की एग्जिस्टेंस में बिलीव करती है।